हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रीसेंट अपलोड के बारे में। क्योंकि जब आप ओआईटी स्टूडियो लॉगिन करते हो तब आपको वीडियो के नीचे दिखाई देता है रीसेंट अपलोड, जैसे कि देख सकते हो साइड में स्क्रीन पे। तो ये रीसेंट अपलोड के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। तो ये रीसेंट अपलोड क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो जो नए यूट्यूबर होते हैं ये छोटे छोटे पॉइंट से घबरा जाते हैं, उसे लगता है कि मेरा चैनल पे कोई गलती हो गया इसीलिए मेरा चैनल पे ऐसा दिखा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ऐसे घबरा जाता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नए यूट्यूबर जो है उसको समझ में आए कि ये रिसेंट अपलोड क्या है। तो क्योंकि जो नए यूट्यूबर होते हैं वो ऐसी छोटी छोटी पॉइंट पे वीडियो नहीं बनाते, और क्यों नहीं बनाते मुझे पता नहीं। क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस वीडियो को सर्च कर लेना रिसेंट अपलोड बोल के, देखोगे 6 से 7 वीडियो मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक छोटा पॉइंट है और इसीलिए इस वीडियो को नहीं बनाता, लेकिन मैं न्यू यूट्यूबर के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जब आप ओआईटी स्टूडियो लॉगिन कर गए तब आपको दिखाई देगा वीडियो के नीचे रिसेंट अपलोड। तो ये क्या है इसका मतलब पहले समझ लो। देखो रिसेंट अपलोड का मतलब क्या है, रिसेंट अपलोड का मतलब है हाल ही में डाला गया जो वीडियो है उसको बोलते हैं रिसेंट अपलोड। समझ लो, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया या एक हफ्ते हो गया, तो इस दिनों में जो आप वीडियो डालते हो इसको बोलते हैं रिसेंट अपलोड। तो इससे आपका चैनल पे कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी मैं आपको बता दूँ, इससे आपका चैनल पे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये जो है ये एक महीने या दो महीने या तीन महीने हो सकता है, तो ये खुद ही उड़ जाते हैं। इस ऑप्शन आप देखोगे खुद ही उड़ जाएंगे, ये आपको नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि ये सभी वीडियो पे नहीं दिखाते, थोड़ा थोड़ा बहुत वीडियो में आपको दिखाई देता है ये पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के बाद, तब तक आप अपनी चैनल को इम्प्रूव करते रहो और आगे बढ़ते रहो।